हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों टेक चित्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग इसी हेडफोन का रिव्यू करेंगे दोस्तों, अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे दोस्तों, रिव्यू करेंगे क्योंकि इस हेडफोन को मैं लगभग 8-9 महीने से यूज कर रहा हूं। मैंने इसे अगस्त 2019 में लिया था दोस्तों, तो मैं इसे 8-9 महीने से यूज कर रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वही मैं आप लोग से जो है शेयर करूंगा दोस्तों, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो बहुत जगह मिल जाएगी बट यह जेन्युइन रिव्यू है दोस्तों, जो कि मैंने पर्सनली 8-9 महीने पिछले बहुत सुने इस हेडफोन को, उसके बाद मैं इसे रिव्यू कर रहा हूं। तो आपको जो डिब्बा दिख रहा होगा इस तरह कुछ आएगा, यह जो थोड़ा कुचा भी गया है मेरे से, तो डिब्बा जो है अच्छा पैकिंग रहता है इसका, इस डिब्बे पर मत जाना, थोड़ा पुराना होगा इस कारण। तो आपको दिख रहा होगा हेडफोन जो है इस तरह से मिलेगा, प्लास्टिक में रहेगा दोस्तों, प्लास्टिक भी इसका फेंका गया है, एक वारंटी कार्ड आपको मिलेगा 1 साल का। तो हम लोग को तो सबसे मतलब नहीं, हम लोग को मतलब है हेडफोन से दोस्तों। तो हेडफोन कहीं भी ले जाना हो तो काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा, मुड़ जाता है दोस्तों, तो कहीं पे भी बैग में तो कैरी करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है दोस्तों इसे ले जाना। तो इसका जो है प्लस पॉइंट है काफ़ी अच्छा सा। और इसके बाद इसका डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो आपको डिज़ाइन इसका दिख भी रहा होगा, और यह पहनने के बाद कैसा दिखता है वो भी मैं आपको वीडियो दिख रहा हूँ। तो पहनने के बाद आपको कैसा लगेगा दोस्तों वो भी आपको अभी दिख रहा होगा वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है दोस्तों, मतलब पर्सनली मुझे तो ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, प्लस इसका जो डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है दोस्तों, ऑन द ईयर हेडफोन है। बट आपको फ्लिपकार्ट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि ओवर द ईयर है, बट ओवर द ईयर यानी है दोस्तों ऑन द ईयर हेडफोन है। और इसका जो डिज़ाइन आपको दिख गया होगा, यहाँ बोट का जो है अपना ब्रांडिंग है दोस्तों दोनों तरफ। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऊपर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जो है यह जो है गद्देदार सा दिया हुआ है, कपड़ा भी नहीं है बट है दोस्तों। और इसका जो यह जो आपको दिख रहा होगा यह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और यह देखिए 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो अभी तक कुछ हुआ भी नहीं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारे हेडफोन होते हैं कि यहाँ से जो है वाइट का बढ़ने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं 2-3 हेडफोन यूज़ किया हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक मेरे पास था सोनी का, उसका जो है उखड़ने लगा था दोस्तों, और फिर मैंने मोटरोला का MAX 3 वाला जो हेडफोन था उसे यूज़ किया था दोस्तों। तो यह इधर प्लास्टिक का बॉडी है, यहाँ पे आपको हल्का सा स्टील का बॉडी दिख जाएगा दोस्तों यहाँ पे, बाकी हर जगह जो है प्लास्टिक का, या जो है एडजस्ट भी आप इसे कर सकते हैं अपने हेड के अनुसार, यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इजीली। और यह जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने पर भी, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, 150 ग्राम इसका वेट है दोस्तों, प्लास्टिक होने के कारण काफ़ी कम वजन का है। तो यह चीज़ तो था, अब हम लोग बात करते हैं इसका साउंड क्वालिटी का, जिसका साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। आपको जैसा कि नाम आपको दिख रहा होगा बास हेडफोन 900 दोस्तों, सुपर एक्स्ट्रा बास, तो उसी अनुसार इसका जो है साउंड क्वालिटी भी है दोस्तों। इसका बास तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, बट एक प्रॉब्लम है, अब भाई रिव्यू दे रहा हूँ तो अच्छे से दूंगा दोस्तों, जो भी मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा। तो इसका अगर साउंड हम फुल करते हैं दोस्तों, तो फुल करने के बाद जो है हल्का हल्का जो वाइब्रेट करने लगता है दोस्तों, तो हल्का सा वाइब्रेशन आता है। तो इसका साउंड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, मैं आपको सुना भी दूंगा, अभी इसका आपको जो है साउंड सुना दूंगा, आप अभी शायद सुन रहे होंगे। बट यह तो एक्चुअली आप खुद नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि जो एक तो मैं जो हूँ कोई माइक से रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, जो फ़ोन का माइक है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, और प्लस में आप हेडफोन से सुन रहे हैं या फिर किस चीज़ से, तो आपको साउंड तो वहाँ पे अच्छा नहीं सुनाएगा, जो हेडफोन में आप सुनिएगा वही जो है ओरिजिनल सुनाएगा दोस्तों। तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो है फुल साउंड करने के बाद वाइब्रेट करने लगता है, बट जो है ओवरऑल यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। इसका वायर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको जो है यहाँ पर माइक भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइक, थोड़ा शाम हो गया तो आई थिंक क्लियरली नहीं पता चल रहा होगा, बट यहाँ पर इसका बटन भी है दोस्तों, बटन से आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं किसी भी गाने को। इसका हेडफोन जैक की बात करें तो दोस्तों हेडफोन जैक के जो है यहाँ पे आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग के कारण जो है इसका जो है आपको वायर जो है वायर इसका टूटेगा नहीं दोस्तों, बहुत सारे हेडफोन जो है टूट जाते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव जो है कंपनी ने दिया है, जो कि जिस कारण जो हेडफोन नहीं टूटेगा दोस्तों। पॉकेट में कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन ऐसे डालते हैं तो हम लोग का जो फ़ोन ऐसे डालने पे ऐसे वायर मुड़ जाता है जिस कारण टूट जाता है, बट इसमें जो है पूरा नहीं मुड़ेगा जिस कारण जो वायर भी नहीं टूटेगा, और वायर की भी ऐसे क्वालिटी काफ़ी सही है दोस्तों आपको दिख रहा होगा। तो इसे 700 इसका प्राइस है दोस्तों, मैंने इसे 700 बाई किया था, तो 700 के अनुसार जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हेडफोन है, आपको जितने भी हेडफोन मिलेंगे 700 के अनुसार दोस्तों, तो
इतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितना इसमें जो साउंड क्वालिटी है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, और इसका जो लुक है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने इसे ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो आपको अगर ख़रीदना होगा तो जो है आपका जो है इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फ्लिपकार्ट का भी अमेजन का भी, तो जहाँ से आपको प्राइस कम लगे वहाँ से ख़रीद ले दोस्तों। और बाकी तो सुनने के बाद तो आपको कुछ ऐसा लगेगा। तो दोस्तों सुनने के बाद सही में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो है बोट तो स्पेशली जो है साउंड के लिए जाना जाता है दोस्तों, अपने हेडफोन या फिर स्पीकर के लिए दोस्तों। तो उस कंपनी जो है अपना हेडफोन जो है और सब कंपनी जो मोबाइल का कंपनी है मोटरोला है मतलब आलतू फालतू की जो कंपनी जो हेडफोन बनाते हैं वो तो इतने अच्छे नहीं बना पाएंगे जो कि बोट बना पाएगा। बोट हो गया, JBL हो गया, दो कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेडफोन बनाते हैं दोस्तों। तो हेडफोन काफ़ी ज़्यादा मुझे पर्सनली अच्छा लगा। एक दो दोस्त हैं जो खुद बोल रहे थे कि भाई यही वाला लेंगे हम, क्योंकि हम दो तीन हेडफोन मैं चेक करके देख चुका हूँ दोस्तों। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, आपको यह रिव्यू अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेन्युइन रिव्यू मिलेंगे दोस्तों, किसी प्रकार कोई फेक रिव्यू नहीं मिलेगा। जो चीज़ मुझे पर्सनली जैसा लगेगा उसी चीज़ को मैं वैसा बताऊँगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।